हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज के इस वीडियो में भी। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये मेरे साथ बैठा हुआ है यहाँ पे आदित, जो कि अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं बैठी हूँ। मैंने कुछ एक प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो आज जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए, आपको भी लग रहा होगा कि बहुत टाइम के बाद मैं अपनी शॉपिंग जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाँ जी, मैं बहुत टाइम के बाद ही आप लोगों के साथ अपनी जो शॉपिंग है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एक तो आपको पता ही है कि हिमाचल में ये सब कुछ जो मौसम की वजह से सब कुछ ख़राब है, उस वजह से वैसे भी ऑर्डर जो है सारे वो डिले हो रहे थे और इसीलिए मेरे जो प्रोडक्ट्स उनको पहुँचने के लिए मेरे पास पहुँचते काफ़ी जो है टाइम लग गया। और इस बार के जो प्रोडक्ट है वो मैंने ऑर्डर किए हैं ग्लो रोड ऐप से। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लो रोड ऐप क्या है, तो ग्लो रोड ऐप जो है ये भी पार्ट ऑफ अमेज़ॉन ही है और आपने ये भी देखा ही होगा कि ज़्यादातर शॉपिंग जो है मेरी आज तक जितनी मैं आपके साथ शेयर करती आई हूँ वो अमेज़ॉन से ही है। और अक्सर आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी जो मैं यूज़ करती हूँ या पहनती हूँ, आप लोग हमेशा उसके बारे में मुझसे पूछते ही पूछते हो, तो वो ज़्यादातर अमेज़ॉन से होती है। तो अभी मैंने जो है ग्लो रोड ऐप से ये सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ना एक कुर्ती ऑर्डर करी है, जो कि मैंने ऐसे पहले से ओपन करके रखी है क्योंकि मैं इसको ट्राई कर रही थी। तो ये इस तरीके से है, जो ये नेहरू कॉलर होता है या पट्टी जो भी होता है इसको, उस तरीके के उसमें है कॉलर में, और फ्लोरल प्रिंट है, बिल्कुल कॉटन का है, आजकल के मौसम के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसकी स्लीव्स मैं आपको दिखा देती हूँ पहले प्रॉपरली, इस तरीके की बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। तो ये स्लीव्स ना इसकी ऑलमोस्ट फुल स्लीव्स है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है पहनी हुई। और साथ में इसको प्रॉपर फिटिंग देने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दोनों साइड से ये डोरी मिल जाती है, जिसको आप आगे की तरफ भी टाई कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से आप इसको पीछे की तरफ भी टाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी है, मतलब बिल्कुल पैर तक ही समझो आप, पैर से थोड़ी सी हल्की सी ऊपर रहती है और ये आता है बिल्कुल इस तरीके से घेरे में, ठीक है। तो ये ए लाइन कुर्ता नहीं है, ये एक तरीके से जैसे फ्रॉक होती है उस तरीके का है, बहुत ही सुंदर है। और सामने आप देख सकते हो इसमें इस तरीके से ये पिंक कलर के बटन्स है, फिटिंग इसकी बहुत प्यारी है। तो मैंने साइज मंगवाया है एल, तो अगर आप लोगों की हेल्थ भी मेरे जैसी है तो आप भी ये जो है एल साइज ऑर्डर कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने इस बार मैंने कपड़ों का थोड़ा ज़्यादा शॉपिंग करी है, उसके बाद मैंने एक कुर्ती मंगवाई है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में। एक तो ये जो चिकनकारी वाला जो वर्क है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, इवन जो मैंने पहना हुआ है वो भी देख सकते हो आप, ये भी एक चिकनकारी सूट ही है। तो यहाँ पे ये कुर्ती मैंने मंगवाई है, जिसको आप जीन्स के साथ या वैसे तो ज़्यादातर जीन्स के साथ ही, या फिर अगर आप जेगिंग वगैरह पहनते हैं तो उसके साथ भी पेयर कर सकते हैं। तो ये ग्रे कलर की बहुत ही सुंदर सी कुर्ती है, तो यहाँ तक तो आपको इसमें डबल क्लोथ मिल जाता है जहाँ तक ये है, उसके नीचे जो है ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि जो है ये ट्रेंड में है इसी तरीके का, तो इतनी ट्रांसपेरेंट है और उतने तक हमारी जो हाई वेस्ट जीन है वो वैसे भी आई जाती है। सामने यहाँ पर थोड़ा सा इसको टाइट या अच्छी फिटिंग देने के लिए ये मिल जाती है टाई करने के लिए, तो इस तरीके की है ये कुर्ती। अगेन ये भी मैंने एल साइज ही ऑर्डर की है और ट्रस्ट मी इतने रीजनेबल प्राइस है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच से भी मतलब कम मैं यूँ बोलूँगी। तो इसकी जो स्लीव्स है बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे इस तरीके का ये चिकनकारी वर्क मिल जाता है, देन स्लीव्स पे भी ये वर्क है। तो जिसकी स्लीव्स है ये भी ट्रांसपेरेंट है, बस ये जो ऊपर वाला इसका पोर्शन है ये यहाँ तक इसमें डबल क्लोथ मतलब इनर लगा हुआ है, तो ये पीछे की साइड है, पीछे की साइड बिल्कुल प्लेन है लेकिन जो नीचे वाला जो पोर्शन आएगा उसमें वर्क हो रखा है। तो ये थे मेरा सेकंड परचेज, और इसमें ना आपको कलर्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, इसमें रेड कलर था, ग्रीन था आई थिंक, मतलब बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी आपको पसंद आए वो कलर आप ऑर्डर कर सकते हो। लिंक या ऑर्डर आई डी सबकी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद मैंने ये एक और कुर्ती ऑर्डर की है, जो कि बहुत ही सुंदर एक इसमें ना फ्रंट में थोड़ा सा स्लिट है, फ्रंट स्लिट है ये, लेकिन इसमें ना वो भी है क्या बोलते हैं ये, मतलब फ्रॉक सूट जैसा होता है, फ्रॉक जो कुर्ती होती है उस टाइप की, और मटेरियल ट्रस्ट मी इतना सॉफ्ट कॉटन है ना इसका, तो ये हल्की फुल्की अगर बरसात की वजह से अगर मौसम ठंडा भी होता है तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके की इसमें है स्लीव्स, जो कि मतलब हाफ से थोड़ा सा बड़ी है,
और इसका जो ये देख सकते हो आप इस तरीके का है, आगे इस तरीके से बटन है पूरे में, इसमें नीचे तक ऐसे बटन है, बस थोड़ा सा ये फ्रंट स्लिट है, बाकी इसमें पूरा घेरा जो है ये इस तरीके से काफी घेरा है। और यहाँ पे ना इस तरीके से यहाँ पे ये फ्रिल मिल जाती है जो इसको बहुत ही अच्छा लुक देते हैं, तो इसको आप कुर्ती की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक लॉन्ग ड्रेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। तो ये थे कपड़े। अब मैंने ऑर्डर की है कुछ ज्वेलरी, एक ज्वेलरी दिखाऊंगी मैं आपको, ना फिदा आप हो जाओ ना उस ज्वेलरी पे, तो मेरा नाम बदल देना। बहुत ही सुंदर है, इस तरीके की पैकिंग में आई है, बिल्कुल सील पैक होके, टूटने और ऐसा कुछ डर नहीं है इसका। तो ये टेम्पल ज्वेलरी है ना, तो वैसी मैंने ऑर्डर करी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल प्योर जो है ऐसे गोल्ड का लुक देगी, क्योंकि आजकल के टाइम में गोल्ड रखना भी मेरे को लगता है कि इतना सेफ नहीं है, तो इस तरीके की ज्वेलरी जो है वो उसको रिप्लेस करने के लिए बेस्ट है। सबसे पहले मैं इसके कान के दिखाती हूँ आपको, जो ये देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये ज्वेलरी, तो मुझे इतनी पसंद आई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये वाली जो ज्वेलरी है दैट इज़ टेम्पल ज्वेलरी इसको बोलते हैं, तो ये ना उलझ जाते हैं आपस में, तो ये है इसका, ये देखो बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत, ये देखो ये तो इसके कान के रहे, कितने सुंदर लगेंगे साड़ी वगैरह के साथ, इवन सूट के साथ भी। अब इसके गले का जो मैंने ऑर्डर किया है वो मुझे और भी ज़्यादा सुंदर लगा है, बहुत पसंद आया मुझे। तो ये देखो ये है गले में पहनने के लिए, मतलब ये पूरा सेट है, तो पूरा ना कहीं से भी आपको ऐसे आर्टिफिशियल लुक नहीं ये देगा, बिल्कुल जो गोल्ड की जो लुक होती है ना वो लुक इससे आने वाली है। ये तो मैं आपको ऐसे नेक पे यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ, अदरवाइज ये लॉन्ग लेंथ में है। तो ये देखो इतनी बड़ी इसमें इस तरीके से सामने जो मटरदाना चेन होती है वो है, और पीछे की साइड ये वाली चेन है, तो काफ़ी लंबा आएगा ये पहन के, दिखाई देती हूँ जो पहन ही रही हूँ, तो इतना भी दिखाई देती हो ना इतना सा, लगा नहीं है लॉक अभी तक, एक मिनट यार, ये देखो आप खुद भी देख सकते हो। तो ये ना साड़ी होगी या फिर सूट हो गया उसके साथ ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, उसका जो कलर है ना वो भी बहुत सुंदर, और बीच में एक ये जो स्टोन लगा हुआ है ना ये तो बहुत ही सुंदर है ये वाला। तो एक ये है, एक और ज्वेलरी मैंने मंगवाई है वो भी पूरा सेट ही है, तो वो भी टेम्पल ज्वेलरी है लेकिन थोड़ा सा स्टोन में है, मल्टी कलर्स, दो ही कलर है, ज़्यादा कलर्स तो नहीं है। तो ये रहा वो सेट, ओपन करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखो, और इसकी जो फिनिशिंग है ना ट्रस्ट में बहुत ही अच्छी है। तो पीछे ये इस तरीके के इसमें लॉक मिलते हैं, और ये जो नेक पीस है वो इस तरीके का, ये देखो नज़दीक से दिखा देती हूँ मैं आपको। आई होप कि आपको मेरी ये जो शॉपिंग है थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई है ये वाली शॉपिंग सारी। तो अगर आपको भी मेरी ये शॉपिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना मुझे, लिंक सब इन सब चीज़ों के जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई होप आज की शॉपिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।